हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल साइंस पाठशाला में। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली है क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ के तीन लेक्चर्स हमने ऑप्टिक्स के पहले ही रिकॉर्ड करके और चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप उसे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। क्लास ट्वेल्थ का आज जो है वो लेक्चर नंबर फोर्थ है, और लेक्चर नंबर फोर्थ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर फोर्थ में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। लेक्चर नंबर फोर में हमको जो पढ़ना है वो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आईआईटी जेईई और नीट में आते हैं, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट्स हम लोगों को एक तो पढ़ने हैं। अगर मुझे आईआईटी जेईई क्लियर करना है, मुझे ये देखना है कि भाई कैसे जेईई में क्लियर कर सकता हूँ, कैसे मैं बाय साइट क्वेश्चन कर सकता हूँ। बाय साइट मतलब देखते ही। जेईई और नीट के क्वेश्चन आप ऑप्टिक्स से रिलेटेड कैसे ही देखते ही कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आज उनको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज का, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के पास आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आता है? कॉनकेव मिरर के पास। तो इमेज कॉनकेव मिरर से दूर जाती है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉनकेव मिरर की, ठीक है ना। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा, इमेज मूव फारर, इमेज दूर जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कम क्लोजर, इमेज मूव फारर, इमेज कहाँ जाएगी? दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज कहाँ जाएगी भाई? दूर जाएगी। ये बात हम लोगों को समझनी होगी। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। किसके लिए समझनी होगी? कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। क्लियर। बट दूसरी चीज हमें क्या समझनी होगी कि कॉनकेव मिरर तीनों टाइप की इमेजेस बनाता है। कॉनकेव मिरर तीनों टाइप की इमेजेस बनाएगा, तीनों टाइप की। ओके, कहने का मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर मेक्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इनसाइड, सॉरी कॉनकेव मेक इमेज, इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो तीन होती है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, स्मॉलर इन साइज। इसमें तुम्हारे जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन तुम्हारे आएगा नेगेटिव में और लेस देन वन आएगा। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आएगा और लेस देन क्या आएगा? वन आएगा। यानी कि इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसी बनेगी, लेकिन इससे साइज में छोटी होगी। ओके, दूसरे केस में इमेज रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज होती है, ठीक है ना। रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज, तो ये आ गई रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर आ गई सेम इन साइज। तो इस केस में मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा। देख, ध्यान रखना एक बात, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आया तो इसका मतलब ये है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आया इसका मतलब ये है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ओके, ठीक है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा और मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आएगा? वन। न्यूमेरिकल वैल्यू में वन के बराबर आएगा और नेगेटिव आएगा। थर्ड केस की चर्चा अगर अपन करें इसी में, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड, थर्ड केस की चर्चा करें तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड और साथ ही साथ कैसी बनेगी? एनलार्ज्ड बनेगी। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड यानी कि बड़ी बनेगी। इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, बड़ी बनेगी भैया। तो इस केस में मैग्निफिकेशन तेरा आएगा तो माइनस में, लेकिन मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन क्या आएगा? वन आएगा। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन क्या आएगा? वन। आई बात समझ में?
नंबर चार की बात करते हैं। केस नंबर चार जो है वो इसमें आता है, इमेज वर्चुअल और रिएक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है। चौथे नंबर पे इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल रिएक्ट एंड एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है ना। इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रिएक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। कहानी का सार देख, कहानी का सार ये है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन नेगेटिव। इमेज अगर ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी उल्टी इमेज बनी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट है, ऐसी की ऐसी इमेज बन गई, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने के बाद भी क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने के बाद भी क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग होता है। ये बीम ऑफ लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड कर देता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग, जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों को कहानी का सार, जो समरी है वो हम लोग इसमें देखा। अब आगे इसी लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। उसके पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के पहले मैं बता देता हूँ कुछ यूजेस, कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस की चर्चा अपन कर लेते हैं इससे पहले। तो यूजेस की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस के लिए। यूजेस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ऐसे ऐसे यूजेस हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ऐसे ऐसे हम लोगों को बुद्धू बनाया जाता है, ठीक है। वो भी कैसे बनाया जाता है मैं बताऊंगा। पहला यूज कॉनकेव मिरर का क्या है, कॉनकेव मिरर का पहला यूज है जिसको हम बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है एज अ शेविंग मिरर। एक लार्ज फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर नाई की दुकान में, पावर शॉप में लगा हुआ होता है, लार्ज फोकल लेंथ का, ठीक है। आप उसके सामने बैठते हो, यानी कि आप फोकस और बॉल के बीच में बैठते हो, तो आपकी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनती है उस मिरर पर, ठीक है ना। क्या बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनती है उस मिरर पर, जिससे कि वो बाबर जो है वो आसानी से देख सकता है चीजों, समझ गए बात। दूसरी चीज जिम मिरर्स बहुत ज्यादा ऑप्टिकली इल्यूसिव थिंग है, क्योंकि लोग जिम जाते हैं, जिम के ग्लास में जब अपन देखते हैं, जिम के कांच में, तो अपन अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी महसूस करते हैं, लेकिन आप जब घर आकर के देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, इतनी जल्दी कैसे फैट उतर गई। उसका कारण ये है कि जिम मिरर्स में कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, और जब भी आप मिरर में लार्ज फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर जिम में यूज किया जाता है, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप एक्चुअली उसके फोकस और पोल के बीच में होते हैं, जिससे आपकी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनती है, जिस कारण से आपको आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट वगैरह सब बड़े बड़े दिखाई देंगे, और आपको लगेगा कि एक ही दिन में आप बॉडी बिल्डर बन गए, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। थर्ड चीज की बात बताते हैं, तो थर्ड चीज आता है, कॉनकेव मिरर को व्हीकल के हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है ना। जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके हेडलाइट्स में अपन कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, जिस कारण से जो बल्ब लगा हुआ होता है, बल्ब जब जलता है तो वो एक पैरेलल बीम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल क्यों, टू प्रोवाइड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू प्रोवाइड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू प्रोवाइड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट का पैरेलल बीम प्रोवाइड करने के लिए। मैं ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं अंदर जो कटोरे जैसा फिट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे छोटे छोटे पंखे और मिरर्स को जोड़ करके बड़ा बना दिया जाता है और बीच में बल्ब फिट कर दिया जाता है, हेलोजन लैंप्स, हेलोजन लैंप्स में है ना खासकर। तो उससे क्या होता है, छोटे से बल्ब की बहुत सारी रोशनी दिखाई देती है और रोड पर पैरेलल गिरती है, तो दैट इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कैसे होगा ये देखो, जैसे कि भाई ये कॉन्केव मिरर लगा दिया हेडलाइट, यहाँ पर है बल्ब, ओके, बल्ब से ये लाइट जाती है इधर टकरा करके यहाँ, इधर टकरा करके यहाँ आगे, इस तरह से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिलता है, ठीक है ना, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिलता है और स्ट्रेट और साफ व्यू आता है हैलोजन लैंप्स में। तो हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है, टॉर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट्स में किया जाता है, स्पॉट लाइट्स में किया जाता है, ठीक है ना, टॉर्च लाइट्स में किया जाता है, सर्च लाइट्स में किया जाता है, स्पॉट लाइट्स में किया जाता है। इसके अलावा कहाँ यूज होगा इसका, टॉर्च में, टॉर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स एंड स्पॉट लाइट्स, टॉर्च लाइट्स में यूज किया जाएगा, सर्च लाइट्स में यूज किया जाएगा और स्पॉट लाइट्स में यूज किया जाएगा। लोगों को मोटा दिखाने के लिए अम्यूजमेंट पार्क्स और मॉल्स में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, लोगों को मोटा दिखाने के लिए, ओके। तो इट इज ऑल्सो यूज एज एंटरटेनिंग मिरर इन मॉल्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स, एज एंटरटेनिंग मिरर, एज एंटरटेनिंग मिरर इन मॉल्स सो दैट द पीपल कैन सी देमसेल्फ फैट, सो दैट पीपल कैन सी themselves fat। अब होता क्या है, किसी बंदे ने मॉल के सामने जाकर के अपने आप को देखा तो उसका ऊपर का शरीर खूब मोटा आया और नीचे का शरीर बहुत पतला, तो इसका मतलब ये था कि ऊपर कॉनकेव मिरर फिट किया था और नीचे कॉन्वेक्स मिरर फिट किया हुआ था, तो इसलिए ऐसा होता है, ऊपर कॉनकेव मिरर फिट किया था और नीचे कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आप ऐसी जगह जाते हो, आप उस मिरर में अपने आप को देखते हो, वो अम्यूजमेंट बॉल होती है, बॉल जैसा बना हुआ होता है, तो आपको आपका ऊपर वाला शरीर मोटा दिखेगा और नीचे वाला पतला दिखेगा, ओके, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं कॉन्केव मिरर के। अब हम आगे की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मैग्निफिकेशन की और साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ये बेसिकली ऐसा मिरर है जो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर्स, ठीक है ना, पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज किए जाते हैं वो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। बेसिक चीज जो है कॉन्वेक्स मिरर की, वो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है, ठीक है ना। एक ही प्रॉपर्टी रहती है इसकी हमेशा, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज, तो अपने को इसमें ज्यादा केसेस पढ़ने नहीं पड़ते, ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी रहती है, प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती है, ओके, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको प्यार से रियर व्यू मिरर भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसका मेन वर्क जो है वो रियर व्यू मिरर में ही काम आता है, तो इसे प्यार से हम लोग रियर व्यू मिरर बोल सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसका इमेज जो है, इमेज ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज हमेशा बनाएगा, ठीक है, हमेशा, ओके,
यहाँ पर ध्यान रखना, वर्चुअल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती नहीं है, मिलानी पड़ती है। मिलती होती तो रियल कहलाती, क्योंकि मिलानी पड़ रही है इसलिए वर्चुअल कहलाएगी, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट डज नॉट एक्चुअली मीट रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट डोंट मीट इन रियल ओके, ये ध्यान रखना है, डोंट मीट इन रियल। रियल में रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती मिलाना पड़ता है। और जब जबरदस्ती मिलाते हैं हम, तो हम लोगों को एक बात अच्छे से ध्यान में आ जानी चाहिए, क्या है वो, वो ये है कि वेन हम लोग जब जबरदस्ती मिलाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो हम लोग दो तीन केसेस पढ़ लेते हैं, तीन केसेस पढ़ेंगे इसमें, उससे ज्यादा केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। इमेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। एक बात ध्यान रख ले कि इसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन, अपन यूं बोलेंगे कि भाई ये बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है ना। फोकस इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फोकस जो होता है वो बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, फोकस वर्चुअल होता है, इसका फोकस वर्चुअल है तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल होगा, समझ में आ गई बात। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहला केस पढ़ते हैं, मेरा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। भगवान को भी ये बात अच्छे से पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। अब इसमें फोकस ही वर्चुअल है तो इमेज भी कैसी होगी भाई, वर्चुअल होगी, ठीक है। लेट्स बिगिन, पहला केस आता है, फर्स्ट वो है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, नहीं पता मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ है, है ना, नहीं पता मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसलिए मैंने बोल दिया इंफिनिटी, है ना। नहीं पता मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ है इसलिए मैंने बोल दिया इंफिनिटी। मुझे पता चल गया कि भैया अब क्या करना है, अब ये करना है, देख इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर दो, उल्टा कटोरा मान ले, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर दो ऐसे, ठीक है। तो इधर पीछे पॉलिश्ड सरफेस है भाई, इधर पीछे पॉलिश्ड सरफेस है, ओके ध्यान से इसको बोल दो मुझे, ये पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस, और आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नहीं बोलना आपने को रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कुछ, ठीक है। तो ये आ गई तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अब भैया रिफ्लेक्ट होकर के पॉलिश्ड सरफेस तो जाएगी नहीं, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस जा रही है इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन हो गया ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी बॉडी से टकरा के वापस जा रही है तो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तू अगर रे ऑफ लाइट बॉडी को आर पार जा रही है तो क्या पड़ेगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगा। अब अगर मान ले यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो आके वो टकरा के वापस जानी चाहिए, तो ही तो रिफ्लेक्शन हुआ भाया, है ना। तो ये टकरा करके वापस इधर चली गई, ओके। अब भैया वापस चली गई, इमेज बनी नहीं, क्या करें, तो क्या किया गया कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसको पीछे बढ़ाया गया और वो एक पॉइंट से निकलती हुई दिखी, उसको क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं उसको, फोकस। तो यहाँ पर अपन यूँ बोलेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है, पॉइंट साइज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्यों, ये रे ऑफ लाइट मिली नहीं, मुझे मिलाना पड़ा, और क्योंकि मुझे मिलाना पड़ा इसलिए मैं बोलूँगा कि इमेज भैया वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो इमेज कैसी है भाई, इमेज है तेरे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, वर्चुअल है एंड
इरेक्ट है, इमेज बनी वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ये मार्कर है ना मेन, तो इसकी इमेज अगर ऐसी की ऐसी बन रही है तो इरेक्ट कहलाएगी, लेकिन अगर इसकी इमेज ऐसी बन रही है तो इन्वर्टेड कहलाएगी। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात करें तो बनती है कहाँ पर, स्मॉलर इन साइज बनती है और फोकस पर बनती है। स्मॉलर इन साइज एट फोकस, ओके, स्मॉलर इन साइज बनती है और कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। ठीक है, क्लियर बात है। चलो, तो ये तो पहली चीज हो गई। अब इसमें अपन बात करते हैं काम की बात पे। ये तो सब ठीक है, टेंथ तक आ जाता है, समझ जाते हैं अपन, है ना। काम की बात पे, काम की बात जो अपने को नीट में जिताएगी, आईआईटी में जिताएगी। काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन्फिनिटी है और इमेज डिस्टेंस v जो है वो फोकल लेंथ के बराबर है। इमेज डिस्टेंस v जो है वो किसके बराबर है? फोकल लेंथ के बराबर है। तेरे को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इमेज डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ये काम की बात है। क्लियर बात, ये काम की बात है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं, आगे चर्चा करते हैं सेकेंड केस की। अब अपन आगे चर्चा करते हैं सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट भाई इन्फिनिटी से पैदल चलता 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 थका हारा वो इन्फिनिटी से और पोल के बीच में आ गया। एक ही केस है इसके अलावा, इन्फिनिटी टू पोल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो थका हारा बेचारा चलता चलता इन्फिनिटी से कहाँ आ गया? पोल पे आ गया। ओके, इन्फिनिटी से कहाँ आ गया भैया? पोल पे। क्लियर थिंग? तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में आ गया, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी से पोल के बीच में आ गया है। पहले पता नहीं था ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब पता है कि भाई वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में मिल जाएगा। ओके, अब पता है। तो यार स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको कैसे होगा। ये है भैया कॉनकेव मिरर। ओके, थोड़ा बड़ा हो गया इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम लोगों को एक बार बता दिया भैया, टेंथ वाले अच्छे जितना भी ये वीडियो देखते हैं, एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पहले बनाने ही नहीं है, वो तो तब बनाना जब इमेज बन जाए। क्योंकि तुम्हारी जो कॉपी चेक होती है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिक है सिंपल सी, तुम्हारी कॉपी में ग्रे डायग्राम के मार्क्स जो हैं वो ओवर राइटिंग पे कटते हैं। अगर तुमने ओवर राइटिंग नहीं की है, साफ डायग्राम है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और ग्रे डायग्राम में अगर तुम पॉइंट्स पहले लिख देते हो तो फिर तुम्हारा रे डायग्राम सही बनने के चांसेस कम ही रह जाते हैं। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट आप देख ले, मान ले भैया ऑब्जेक्ट यहाँ है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ना, रेपुटेशन है ऑब्जेक्ट की भी। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका नाम है एफ4 एप्पल बी4 बॉल। ओके, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जानी चाहिए था? फोकस में। नहीं जा पाएगी, क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि फोकस तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, अब पीछे है तो नहीं जा पाएगी। ओके, तो इसलिए इसका होता क्या है भैया? इसका हो जाता है रिफ्लेक्शन। ऐसे इसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। दूसरी रे ऑफ लाइट की बात करते हैं भाई। ओके, अब इसको भी पीछे बढ़ा देते हैं और फोकस बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत? ये रहा फोकस। ठीक है, अब दूसरी रे ऑफ लाइट है भैया, दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो देने जा रही है इधर। ठीक है, अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है? इधर। यहाँ पर गिर रही है वो मिरर में परपेंडिकुलर, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर गिर रही है। तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर रेज ऑफ लाइट जो है वो वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो इसको मुड़ जाएगी तो इसको आगे तो मिलाना पड़ेगा मुझे, तो मैं ऐसे बढ़ाऊंगा आगे। ये यहाँ एक पॉइंट पे मिलती है जिसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ पर दोनों रेज ऑफ लाइट मिली वहाँ पर मैंने बना दी इमेज, जिसका नाम है ए डैश बी डैश। ठीक है ना, जिसका नाम है क्या? ए डैश बी डैश।
इमेज कैसी है, क्वेश्चन ये है कि इमेज कैसी है। तो इमेज है वर्चुअल, इमेज है डायरेक्ट, इमेज है स्मॉलर इन साइज और इमेज है बिटवीन फोकस एंड
है ना, इट मेक्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज इमेजेस, स्मॉलर इन साइज इमेजेस, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है, ओके, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज इमेज। और यही कारण है कि छोटे से रियर व्यू मिरर में पूरा का पूरा पीछे से जो ट्रक आ रहा होगा ना वो दिखाई देगा, छोटे से रियर व्यू मिरर में पूरा का पूरा ट्रक दिखाई देता है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि वो ट्रक सीधा ही दिखेगा, वो ट्रक सीधा ही दिखेगा, बस लेटरली इन्वर्टेड होगा था, ओके, बस क्या होगा लेटरली इन्वर्टेड, सीधा ही दिखेगा बट लेटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि भैया एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड क्यों दिखा रहा है, तो इसलिए बिकॉज द रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल, वो मैं एक अलग से समझा देता हूँ पॉइंट, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती है, लार्ज व्यू एरिया आता है, मेक्स द वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज इमेजेस, ठीक है ना। एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस, ओके, एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर, ऑब्जेक्ट कम क्लोजर द साइज ऑफ इमेज इमेज इंक्रीज, ध्यान रखना है ये बात, एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर द साइज ऑफ इमेज इंक्रीज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है इमेज की साइज बढ़ती जाती है ना, एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर द साइज ऑफ इमेज इंक्रीज, अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई, अभी मुझे बात करना है कि एम्बुलेंस में लेटरली इन्वर्टेड क्यों लिखा रहता है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्यों लिखा रहता है, ओके। लेटरली इन्वर्जन का मतलब मैंने तुम लोगों को बता दिया था लास्ट वीडियोस में, तुम लोग देख सकते हो, एक बार फिर मैं तुमको रिहाइड्रेट कर देता हूँ, भैया पी फॉर पैरट का पी ऐसा लिखा जाता है, अगर इमेज में वो ऐसा बन रहा है मतलब लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक है, ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज, ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज है, ओके, ठीक है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर वर्चुअल और अगर मेरे को इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इस लेटरली इन्वर्टेड इमेज को मैं प्यार से क्या बोलता हूँ, इरेक्ट इमेज, प्यार से क्या बोलता हूँ, इरेक्ट इमेज, ओके। इसके अलावा अगर मुझे बात करनी है भैया इन्वर्टेड, ओनली इन्वर्टेड इमेज, तो ओनली इन्वर्टेड इमेज में अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है दादा, तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, ओके, ऐसी, तो ये तेरी कहलाएगी क्या, ये कहलाएगी इन्वर्टेड एंटायरली, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, वो इन्वर्टेड कहलाएगी, और लेटरली इन्वर्टेड लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपके लाइक से हमको एंकरेजमेंट मिलता है ताकि मैं स्टूडेंट्स के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज बना सकूं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे कि भैया एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कैसे लिखा रहता है, ठीक है ना, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कैसे लिखा रहता है, तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है, ए रियर व्यू मिरर
व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स का जो रियर व्यू मिरर है, द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स मेक्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज एंड डायरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। तो एम्बुलेंस जो है वो उस बंदे को, उन अंकल को, ऑफिसर को एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, सो दैट द ड्राइवर कैन सी द एम्बुलेंस, कैन सी द एम्बुलेंस इन अ प्रॉपर मैनर, कैन सी द एम्बुलेंस इन अ प्रॉपर मैनर एंड कैन गिव इट साइड, ठीक है ना, एंड कैन गिव इट साइड, ओके, ठीक है, कैन गिव इट साइड। इसलिए एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है, एम्बुलेंस इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड बिकॉज, यहां पर एक वर्ड मैं यूज कर देता हूं, बिकॉज एम्बुलेंस इज रिटन, यहां पर इज रिटन डाल देता हूं ताकि पूरा आंसर तुम्हारा तैयार हो जाएगा। स्टार्ट यहां से करना, एम्बुलेंस ऐसे लिखना है, एम्बुलेंस इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड और इरेक्ट बिकॉज द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स मेक्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज सो दैट द ड्राइवर कैन सी एम्बुलेंस इन अ प्रॉपर मैनर। कैसे भैया, ऐसे देख, ये मान ले एम्बुलेंस लिखा, ठीक है, ये मान ले लिखा हुआ है एम्बुलेंस, ठीक है, ये है तुम्हारे मिरर, तो मिरर में एम्बुलेंस ऐसा दिखेगा, मिरर में एम्बुलेंस ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये कारण होता है एम्बुलेंस में लेटरली इन्वर्टेड लिखने का, ठीक है, क्लियर बात है, ये कारण होता है एम्बुलेंसेस में लेटरली इन्वर्टेड लिखने का। अब कुछ चीजें जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं जो कंपटीशन में आती हैं, है ना, खासकर एनटीएसी एसटीएसी कंपटीशन में, है ना, कभी कभी नीट में आ जाती है, ओके, ऐसे कंपटीशन में आने वाली चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से क्या क्या कंपटीशन में आ सकता है उसकी हम चर्चा करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से क्या क्या कंपटीशन में आ सकता है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो इमेज भी पोल से दूर जाती है और फोकस के पास जाती है, ठीक है ना, ओके, कॉन्वेक्स मिरर में, तो इफ ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम पोल इमेज ऑल्सो मूव्स अवे फ्रॉम पोल एंड नियर टू फोकस, इमेज ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम पोल एंड नियर टू फोकस, ठीक है। याद रखना है क्या, मैग्निफिकेशन हमेशा इसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बोलूं तो वो हमेशा लेस देन वन आएगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू बोले अगर तो वो हमेशा क्या आएगी, लेस देन वन आएगी, ठीक है ना, लेस देन वन आएगी, ओके, द मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस जो है ना, मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस की जो है, कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी, मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस वो फोकल लेंथ के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ओके, इमेज डिस्टेंस वी जो है कैन बी लेस देन और इक्वल टू फोकल लेंथ, वी जो है मैक्सिमम जो है वो फोकल लेंथ के बराबर होगी, वी मैक्सिमम जो है वो फोकल लेंथ के
बराबर होगी, उससे ज्यादा इमेज डिस्टेंस नहीं हो सकती है, उससे ज्यादा इमेज डिस्टेंस नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और चैनल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। हम एजुकेशनल पर्पस के वीडियोस बनाते हैं ताकि बच्चों को घर बैठे बेस्ट एजुकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।